हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फैक्ट भाई और आज हम फिर से बात करने वाले हैं इस भोपली सी शक्ल वाले के कंट्री के बारे में, जहां अगर तुम टूरिस्ट बन के गए और गलती से भी ऐसी कोई तस्वीर खींची तो बस तुम्हारा ये हाल होना अनिवार्य है। कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। खैर, ये हो सकता है कि किम साहब वहाँ की पॉवर्टी दिखाना नहीं चाहते, पर मान लो तुमने पॉवर्टी की फोटो नहीं ली, पर अगर ऐसी कोई भी फोटो खींची जो कि खुद किम साहब के पुतले की है, या फिर ऐसी हरे भरे खेत में बच्चों की, या फिर ऐसे कैजुअल नॉर्मल लोगों की भी, तो आपको सीधा सलाखों के पीछे डाल देंगे, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। अब ऐसी कौन सी सच्चाई है जो नॉर्थ कोरिया दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता? आखिर क्यों ऐसी फोटो को क्लिक करना इलीगल है? अगर ये सब जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज के इस नॉर्थ कोरिया के टूर में हम ऐसी ही कुछ इलीगल नॉर्थ कोरियन फोटोज देख के उसके पीछे का राज भी जानेंगे। ओनली एंड ओनली इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल, फोटोज दैट नॉर्थ कोरिया डजंट वांट यू टू सी। नंबर वन, टेढ़ी टोपी। अब जिस बंदे ने ये फोटो खींची है उसे वहाँ के लोग ये फोटो डिलीट करने के लिए दबाव डालने लगे, और भाई वजह जानकर तो हम भी हैरान हो गए, क्योंकि आड़े टेढ़े ड्रेसअप में आप यहाँ किसी की भी फोटो नहीं ले सकते। इस अजीब से नियम का सबसे बड़ा नमूना तो ये फोटो है। एक तो टेढ़ी टोपी लगा के फोटो खिंचा रहा है, ऊपर से पीछे सोल्जर्स खड़े हैं। अब अगर दुनिया भर के लोग इस फोटो को देखेंगे तो ये पता नहीं चल जाएगा कि वो भोपली सी शक्ल वाले केम भाई साहब अपनी जिस सेना की स्ट्रिक्टनेस को लेकर लंबी लंबी फेंकते हैं, उससे वहाँ के लोग घंटा भी नहीं डरते, बल्कि वहाँ की स्ट्रिक्ट दिखने वाली सेना के जवानों का तो असल में ये हाल है। ये लोग लोकल किसानों का भी काम करते हैं, बद से बदतर जिंदगी जी रहे हैं यहाँ के जवान। नंबर टू, ब्लैक मार्केट। पेश है आपके सामने किम साहब के झूठे शान के खिलाफ एक और तस्वीर, क्योंकि यहाँ के भगवान किम जोंग उन नहीं चाहते कि उनकी जनता को कोई अपना पेट पालने के लिए ये छोटी मोटी मंडियां और बाजारों में सामान बेचते देखे, क्योंकि हर बात पे तो ये सीधे मिसाइल छोड़ने की धमकी देते हैं, तो इनकी जनता कैसे गरीब हो सकती है? सीधे शब्दों में बोला जाए तो पॉटी आ रही तो पैंट में ही कर लो, पर पॉटी नीचे नहीं गिरनी चाहिए, दुनिया को नहीं पता चलना चाहिए। नंबर थ्री, डेली लाइफ। अब जरा इन मोहतरमा पे नजर फरमाओ। मैडम, ये तो इंडिया है, हिम्मत है तो जरा नॉर्थ कोरिया की सड़कों पे ऐसे सुबह सुबह वीडियो तो छोड़ो। अरे फोटो ही क्लिक करके बताओ, ऐसा गायब करेंगे ना तीनों लोगों में भी नहीं मिलोगी आप, क्योंकि यहाँ पर इस तरह आप लोगों के डेली लाइफ पिक्चर्स नहीं क्लिक कर सकते। जब भी यहाँ कोई फॉरेनर नॉर्थ कोरिया घूमने आता है तो वो अकेले नहीं रह सकता, उसके साथ हमेशा एक टूरिस्ट गाइड साय की तरह चिपका ही रहता है, जो टूरिस्ट गाइड कम और डिटेक्टिव ज्यादा लगता होता है। और अगर उसके मना करने के बावजूद आपने कोई फोटो छुपते छुपाते लेने की कोशिश की तो बेटा तुमको ले जाएंगे सीधा जेल, और वहाँ फिजिकल टॉर्चर से ज्यादा मेंटली टॉर्चर किया जाएगा, और जब तक तुम उस सजा को पूरा नहीं कर लोगे तब तक फोटो लेना तो दूर, तुम खुद को भी पहचानने लायक नहीं बच पाओगे। नंबर फोर, पॉवर्टी एंड हंगर। अब आप नॉर्थ कोरिया के इस बटले से बंदे को तो जानते ही होंगे, ये है वहाँ के आदरणीय पूजनीय लूटनीय खसोटनीय तानाशाह और जबरदस्ती खुद को भगवान बनाने वाले किम जोंग उन, जो भटूरे की तरह फूल के फटे ही जा रहे हैं। और ये रही इनकी जनता उर्फ गुलाम और वहाँ के गांव, और यहाँ के लोग इतने गरीब हैं कि सब्जियों की जगह कई लोग ये खाते हैं। मतलब यार, हमारे यहाँ अगर धनिये की गड्ढी में भी घास आ जाए तो हम निकाल के फेंक देते हैं, लेकिन ये अंकल सब्जी बनाने के लिए घास उखाड़ रहे हैं। अभी इतना ही नहीं, जनता तो जनता, ये जो किम साहब अपनी सेना की बड़ाई और ताकत का ढिंढोरा पीटते हैं, पूरी दुनिया में फैलाते फिरते हैं, और दुनिया के सामने जो ये ताकतवर सेना की तस्वीर रखी है उसकी असलियत असल में ये है, बिल्कुल गरीब और भूखे प्यासे सैनिक। रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ पर बच्चों को स्कूलिंग खत्म करते ही सेना में जबरदस्ती भर्ती कर दिया जाता है, जहाँ गर्ल्स के लिए 7 साल और बॉयज के लिए 10 साल तक आर्मी में रहना कंपलसरी है, लेकिन खाने का कोई खास इंतजाम नहीं है, जिसकी वजह से बाकी के देशों के सोल्जर्स के मुकाबले इनकी हाइट और साइज दोनों ही काफी कम होते हैं, और इसीलिए यहाँ के सोल्जर्स की फोटोज आप बिल्कुल पास जाकर नहीं ले सकते, वो बैन हुई है, क्योंकि पास से उनके चेहरे पर रौब और रोश नहीं बल्कि गरीबी और लाचारी दिखती है। नंबर फाइव, पिछवाड़े की फोटो नॉट अलाउड। यहाँ के राजा, यहाँ के भगवान और भोपली सी शक्ल वाले किम जोंग उनकी स्टैच्यू के पिछवाड़े की पिक्चर लेना भी अपराध है। मतलब ऐसा क्या बुरा है भाई तेरे स्टैच्यू के पिछवाड़े में, और ऐसे कौन से हीरे जड़ रहे हैं तेरे फ्रंट में जो आगे से ही फोटो लें? नंबर सिक्स, संस्कारी सैनिक। यहाँ पर आप किसी रिलैक्स करते हुए या फिर चिल मारते हुए सैनिक की फोटो भी नहीं ले सकते, जैसे ये। अब इसमें क्या गलत है भाई, बंदा सोल्जर है
तो क्या इंसान नहीं है? सिगरेट ही तो पी रहा है, इसकी तरह जनता का खून थोड़ी ना पी रहा है। लेकिन नहीं जी, फोटो लीक हो गया तो हमारे सैनिक के संस्कारों पे उंगली उठ गई। मतलब ये समझ लो, सैनिक जरूर है लेकिन इनकी जिंदगी गुलामों से भी बदतर है। और यही वजह है कि इन सोल्जर्स के माँ बाप अपने बच्चों को सेना में भेजते वक्त खुशी के नहीं बल्कि खून के आंसू रोते हैं। नंबर 7, आधुनिकता से दूर। अब जरा इस फोटो को देखो, इसमें क्या बुरा है, जरा गैस करो। अब इस फोटो में किम साहब को ये तकलीफ है कि ये बच्चे इस एस्केलेटर पे चढ़ने से डर क्यों रहे। अरे भाई, जब कोई पहली बार इस पे चढ़ता है तो डर तो लगता ही है ना। अब तुमने इनके गांव में कोई सुविधा दी ही नहीं है तो इसमें लोगों की क्या गलती। गीदड़ के ऊपर कितनी भी शेर की खाल छिपका लो, गीदड़ गीदड़ ही रहता है। नंबर 8, चाइल्ड लेबर। और ये फोटो लेना तो भाई पूरी तरह रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि मीडिया के सामने तो नॉर्थ कोरिया ये शो करता है ना। ये वो बच्चे हैं जिनके माँ बाप इन स्कूल्स में उनके बैठने के चेयर से लेकर बोर्ड तक का सब चीजों का प्राइस पे करके उन्हें ये एजुकेशन दे रहे हैं। अब वो लोग थोड़ी ना गिने जाते हैं वहाँ की जनता में, जो गरीब हैं, जिनके पास बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पैसे नहीं है, पानी की कोई सुविधा नहीं है जिसकी वजह से बच्चे दूर के गाँव से पानी लेकर आते हैं। इन घरों के पास सरकारी स्कूल्स नहीं है इसलिए ये बच्चे स्कूल जाने की उम्र में घर के कामों में पेरेंट्स की मदद करते हैं और घर खर्च चलाने के लिए खेतों में उनके साथ दिन रात काम करते हैं। अब ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पे शो करेंगे तो केम साहब की झूठी शान बुरा मान जाएगी। नंबर 9, होमलेस। और जरा गौर से देखिए रात के अंधेरे में ली गई इस दर्दनाक फोटो को। ये बच्चे कड़कती ठंड में आसमान के नीचे शौक से नहीं सो रहे बल्कि इनके पास सर छुपाने की छत नहीं है इसलिए इन्हें यहाँ मजबूरन सोना पड़ रहा है। और यही वजह है कि यहाँ पर रोड पर या पार्क में सो रहे लोगों की फोटो क्लिक करना अलाउड नहीं है जिससे कोई भी ये अंदाजा लगा सके कि यहाँ के लोगों के पास सर छुपाने की भी जगह नहीं है। नंबर 10, नो सेफ्टी। अब जरा मुझे बताओ अपने यहाँ घर कैसे बनाए जाते हैं, जगह जगह सीढ़ियाँ और सेफ्टी है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसे बनते हैं घर, न चढ़ने उतरने को सीढ़ियाँ और न ही सेफ्टी की कोई व्यवस्था। एक सरिया बांधा और उसमें लटका दी रस्सी, चढ़ते रहो उतरते रहो। अब जरा सोचो अगर गलती से कोई बंदा ऊपर से नीचे गिर के मर गया तो मर गया तो मर गया और गया। ये तो है वहाँ की सेफ्टी सिचुएशन और इसीलिए फोटो लेना भी नॉट अलाउड। नंबर 11, नो इलेक्ट्रिसिटी। अब जरा इन बिल्डिंग्स को ही देखो, जो नॉर्थ कोरिया सोशल मीडिया पर गर्व से दिखाता है लेकिन असलियत तो ये है कि सिर्फ कुछ ही बिल्डिंग्स आपको नॉर्थ कोरिया में ऐसी मिलेंगी क्योंकि यहाँ की ज्यादातर जनता तो ऐसे घरों में रहती है जहाँ ना पानी है, ना बिजली और ना ही ढंग के रोड्स हैं। लोग अपना पेट पालने के लिए छोटी मोटी खेती करते हैं लेकिन यहाँ के हर घर में एंटर करते ही आपको एक चीज कॉमन दिखाई देगी और वो है ये छोटे भोपले, बड़े भोपले और स्वर्गीय भोपले की फोटो। ये दोनों हर घर की दीवार पे नजर बट्टू की तरह लटके हुए दिखाई देंगे। नंबर 12, बेगर्स। और अगर गलती से आपकी नजर यहाँ के इस रूह कपा देने वाले सीन पर पड़ गई तो कैमरा अंदर कर देना चुपचाप। ये फोटो है भीख मांगते बच्चों की जो अपना और अपने परिवार वालों का पेट पालने के लिए सड़कों पर भीख मांगते हुए नजर आ जाएंगे। और अगर आपने गलती से इनकी फोटो क्लिक कर ली और किसी ने आपको पकड़ लिया फिर तो बेटा या तो तुम्हारे कैमरे से फोटो डिलीट होगी या फिर तुम इस दुनिया से हमेशा के लिए नजर बंद करके कैद खाने में डाल दिए जाओगे क्योंकि यहाँ पर इस तरह की फोटो क्लिक करना सख्त मना है। अब भला जहाँ के देवता किम जोंग उन हो वहाँ के लोग भिखारी कैसे हो सकते हैं। नंबर 13, ह्यूमन वेस्ट। अब दोस्तों क्या आपने कभी इंसानों की पॉटी बिकती हुई देखी है? शायद नहीं, राइट? लेकिन यहाँ पर वो भी होता है, वो भी दुनिया भर से छुपा के। यहाँ पर इंसानों की पॉटी से खाद बनाई जाती है और गरीबी की मार खा रहे यहाँ के लोग अपने परिवार का पेट भरने के लिए मजबूरी में ये काम करते भी हैं। लेकिन इसका प्रोसेस क्या होता है वो तो अभी तक इस ह्यूमन वेस्ट से खाद बनाते टाइम आप वहाँ के मजदूरों की फोटो भी नहीं ले सकते। और एक फनी बात बताता हूँ, यहाँ आप यूट्यूब से देख के ना तो कुछ सीख सकते हो और ना ही कोई वीडियो देख के खुद से ही गुल्लू गुल्लू कर सकते हो। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ इंटरनेट की स्पीड 2G से भी कम है। अब भाई मुझे तो उनके मिसाइल की धमकी पर भी बड़ा वाला डाउट होने जा रहा है कि बार बार मिसाइल परीक्षण की एक ही वीडियो तो नहीं दिखाते हैं, कुछ है तो नहीं इनके पास, खाली फोकड़ में मिसाइल की धमकी देते रहते हैं। और है भी तो इस मोटू के पंजे से छूटे तब तो बेचारी जनता को कुछ मिलेगा ना। खाने के लिए शाही व्यंजन चाहिए, ताड़ने के लिए स्पेशल पटोला लड़कियां, और सिक्योरिटी तो ऐसी लेता है जैसे ये कोई हीरे जवाहरात से बना हो और इसे चोर लूट के ले जाएंगे। बाकी किम भाई, ये सोशल मीडिया है, यहाँ से कोई नहीं बचा, तेरी भी सारी सच्चाई मालूम है हमें। वेल, अगर आप लोगों को नॉर्थ कोरिया पे अपनी भड़ास निकालना चाहते हैं आप लोग तो कमेंट सेक्शन भर दो और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, जय हिंद।